ससुराल में बहुओं को जला देते हैं। अरे काहे से कर रहे आप? अरे अंकल जी, अरे दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से आपका स्वागत है और आज चलिए सफर करते हैं 1488 सीमांचल एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली आनंद विहार और बिहार के जोगबनी के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन है। गाड़ी सुबह 8:10 में यहां से चलेगी और अगले दिन सुबह सुबह लगभग 8 बजे तक पहुंच जाती है बिहार का जोगबनी, यानी लगभग 1380 किलोमीटर की सफर को सीमांचल तय करती है लगभग 24 घंटे में। स्लीपर में जर्नी करेंगे, मेरा S7 कोच में 63 यानी साइड लोअर बर्थ है। यही है भैया सीमांचल एक्सप्रेस, लगी हुई है आनंद विहार के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, LHB रेक के साथ चलती है। और कुछ ऐसा है इस सीमांचल एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का इंटीरियर, साफ सफाई काफी अच्छी है। बाकी बात करो इस सीमांचल एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन की, तो देखिए इस गाड़ी में टोटल 6 जनरल कोच है, 3 आगे और 3 पीछे, उसके बाद फिर 8 स्लीपर कोच है, 5 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी। अलग से इस गाड़ी में कोई पेंट्री कार नहीं दिया गया, इसलिए बहुत दिक्कत इस गाड़ी में खाने पीने की। पक्का 8:10 पर हमारी सीमांचल निकल चुकी है दिल्ली की आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के लिए। बारे बार अब हमारी सीमांचल रुकेगी गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, उसके बाद इटावा, ये ट्रेन नहीं रुकती है। वैसे हमारी ट्रेन का टोटल 17 स्टॉप है दिल्ली की आनंद विहार से बिहार के जोगबनी के बीच। तो फिलहाल हमारी सीमांचल एक्सप्रेस निकल चुकी है गाजियाबाद जंक्शन से और अभी से ही देखिए ये हाल है, गाड़ी के वॉश बेसिन में पानी ही नहीं है, देख लीजिए। गाड़ी अभी दिल्ली से चली ही है और अभी से ये हाल है, देखिए आगे क्या क्या होता है इस सीमांचल एक्सप्रेस के ट्रेन जर्नी में। गणेश भैया, गणेश। हाँ भैया। सीमांचल एक्सप्रेस के किराए की बात करूं तो इसका दिल्ली से जोगबनी का जनरल कोच का किराया है 360 रुपये, वहीं स्लीपर का पड़ जाएगा 635। 5 थर्ड एसी में 2 थर्ड एसी इकोनॉमी कोच हैं जिसका किराया है 1540, नॉर्मल थर्ड एसी का है 1645 रुपये और सेकंड एसी का है 2360। फर्स्ट एसी कोच नहीं है और ना ही इस गाड़ी में अलग से पेंट्री कार्ड दिया हुआ है, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था खुद कर लीजिएगा यदि आप इस गाड़ी में भविष्य में सफ़र करने वाले हैं तो। अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी सीमांचल एक्सप्रेस, जहां से हमारी ट्रेन टुंडला के रास्ते कानपुर निकल जाएगी। इसके अलावा यहां से एक लाइन चंदौसी की ओर भी जाती है और चंदौसी से आप बरेली और मुरादाबाद भी जा सकते हैं, बाकी ताला नगरी तो ये है ही। अलीगढ़ में आपको टोटल 7 प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे और हमारी गाड़ी आई है अलीगढ़ के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है। और उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल हम है ही और बिहार के बक्सर से पहले हमारी गाड़ी रहेगी उत्तर प्रदेश में ही, और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में। चलिए चलिए चलिए, फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। बाकी दिल्ली से अलीगढ़ तक हमने लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, इसलिए खाना आज करते हैं ऑर्डर ऑनलाइन, रेल रेस्टो ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं जो कि मुझे कानपुर में दोपहर 2 बजे के आसपास मिल जाएगा। भैया उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला जंक्शन में आपका स्वागत है और फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजने वाले हैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली कानपुर लाइन के अलावा यहां से आप आगरा की ओर जा सकते हैं। टुंडला में भी 7 प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारी ट्रेन आई है 5 नंबर पे और गाड़ी का यहां भी 2 मिनट का स्टॉप है और दिल्ली से यहां तक हमने लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए है। अब इसका सीधा स्टॉप है कानपुर सेंट्रल, इटावा जंक्शन ये ट्रेन नहीं रुकती है। सिकोहाबाद पार कर चुके हैं हम, जहाँ से एक लाइन मैनपुरी के रास्ते फरुखाबाद की ओर जाती है। और अच्छा, इस गाड़ी में पेंट्री कार्ड तो नहीं है लेकिन साइड पेंट्री मौजूद है, आप ऑर्डर देके खाना मंगवा सकते हैं।
इटावा जंक्शन भी हम पार कर चुके हैं, जहाँ से कानपुर दिल्ली लाइन के अलावा एक लाइन भिंड के रास्ते ग्वालियर भी जाती है। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 12 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी एकदम ऑन टाइम चल रही है, एकदम समय पर चल रही है। भैया दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और हमारी सीमांचल पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, और यहां हमारा खाना भी आएगा जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ऐसे गाड़ी हमारी आई है कानपुर सेंट्रल के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, गाड़ी का यहां 5 मिनट का स्टॉप है और इस तरफ से निकल रही है कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस। वैसे कानपुर सेंट्रल तो आपको पता ही है बहुत बड़ा स्टेशन है, ये बहुत सारी रूट यहां कर मिली है। इस हावड़ा दिल्ली लाइन को छोड़ भी दिया जाए फिर भी यहां से एक लाइन बांदा, एक लाइन झांसी, एक लाइन यहाँ से लखनऊ भी जाती है और एक लाइन यहाँ से कन्नौज फरखाबाद की ओर भी जाती है, यानी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। दिल्ली से यहाँ तक हम लगभग 430 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और खाने पीने की तो भैया यहाँ कोई कमी नहीं होने वाली है। ये है वो खाना जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था रेल रेस्टो ऐप से, इसका पड़ा मुझे 200 रुपये और 200 रुपये के खाने में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 200 रुपये के खाने में भैया चावल है, इसमें 3 पराठे दिए हुए हैं, पनीर का सब्जी है, मिक्स वेज है, दाल है, एक गुलाब जामुन है, रायता है, कुछ ऐसा खाना मिलेगा आपको 200 रुपये में रेल रेस्टो ऐप से। ऑनलाइन खाना वैसे महंगा आता है लेकिन अगर आपको ट्रेन में नहीं खाना है तो ये ऑनलाइन खाना ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल खाते हैं और कैसा ये खाना ये मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ। खाना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और 200 रुपये के हिसाब से मुझे वो ऑनलाइन खाना काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी इस गाड़ी में सादा खाना 130 रुपये ले रहे थे तो 70 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप अच्छा खाना खा सकते हैं। और वो पराठा नहीं था, पराठे की जगह 3 चपाती यानी रोटी दी गई थी मक्खन लगा के। ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। आपके अंदर तो टैलेंट भैया कौन कौन क्यों भरा हुआ है? बचपन से सो गया। जो हाल फिलहाल आपका है आपको सब पागल समझेगा लेकिन असली तो आप जैसे मुझे पहचान सकता है। तो भैया बुरे दिन की एक बात तो अच्छी होती है, ये साबित कर देता है कि कौन दिल से परवाह करता है और कौन दिखा हुआ। पहली नज़र में मुझे वह भाई साहब भी पागल लगा लेकिन जब उसने एक प्यारी सी कविता सुनाई तो सच में सबकी आंखें खुले की खुली रह गई। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल 2 चलिए शाम के 6:15 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। प्रयागराज जो कि जाना जाता है अपने गंगा यमुना संगम के लिए। ऐसा ही बोला जाता है कि जो व्यक्ति संगम पे मरता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बुढ़ापे में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारी सीमांचल आई है प्रयागराज के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे और 4 नंबर से निकल रही है भुवनेश्वर एक्सप्रेस, आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस। देख लीजिए ये वाली रेक पहले राजधानी में हुआ करती थी लेकिन अब ये भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस को दे दी गई है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये नालको वाला रेक। और हमारी सीमांचल एक्सप्रेस प्रयागराज आई है 1 घंटे लेट, इसका यहाँ आने टाइम था 5:30 बजे, आई है 6:15 बजे, 1.25 घंटे लेट आई है यहाँ। अरे अंकल जी, अरे छोड़ दीजिए अंकल जी महाराज, अरे छोड़िए हो भैया, अरे छोड़ दिए ना, हो गया हो भैया, अरे हो गया हो भैया,
प्रेम में तहु जाबे यो तो के हम जाय के उठा सीधा कह दे हमहु न कर हमहु के कहबे लोग से गाली बकते हो पास अरे अंकल जी हो गया जाइए ना दो केले बेचने वाले अंकल आपस में ही लड़ गए, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। मतलब आजकल कोई किसी से कम नहीं है भैया। चलिए फिलहाल हमारी सीमांचल एक्सप्रेस निकल चुकी है प्रयागराज से। 5 मिनट का स्टॉप था लेकिन 20 मिनट रुकी प्रयागराज में, और अब हमारी ये ट्रेन जो है 1 घंटे 40 मिनट लेट हो चुकी है। अरे चुप रहिए दीदी, पुलिस वाला भी कंप्लेंट क्यों ना करे, क्यों भगड़े हो, कंप्लेंट करना चाहिए। क्या चीज हुआ? अरे दीदी क्या कर रहे हैं? अरे पागल है क्या आप? रोके रोके, अरे भाई रोके 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 रोके, अंदर को आ जाओ। अरे कैसे कर रहे हैं? अंदर को आ जाओ, अरे पागल है क्या? अरे कहाँ से कर रहे हैं? अरे पागल है क्या? अरे कहाँ से कर रहे हैं? गेट लॉक करने बोल रहे हैं ना दीदी, इधर आइए दीदी, यहाँ दीदी गेट बंद कर दीजिए। अरे गेट बंद करके बैठ जाइए, गेट को लॉक करके बैठ जाइए। पूरे पागल है, पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब महिला थी। पता नहीं जीआरपी वालों ने उसे ऐसा क्या बोल दिया जो अजीबो गरीब हरकत करने लगी। फिलहाल हम लोगों ने उसे एक सेफ जगह बैठा दिया है, अब सब कुछ कंट्रोल में है। प्रयागराज के बाद ट्रेन को नज़र लग गया है। पहुंच गए भैया मिर्जापुर, स्वागत है आपका माँ विंध्यवासिनी की धरती मिर्जापुर में। आनंद विहार से यहाँ तक हमने लगभग 712 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और गाड़ी हमारी यहाँ लेट आई है। यहाँ इसका आने टाइम था 6:15, आई है 8:15। 2 घंटे की देरी से हमारी ये सीमांचल एक्सप्रेस फिलहाल लेट चल रही है। वैसे गाड़ी आई है मिर्जापुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ये 3 प्लेटफॉर्म का है शायद ये स्टेशन मिर्जापुर। गाड़ी हमारी निकल चुकी है मिर्जापुर से, अब इसका अगला स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अरे आइए आइए आइए, आप कहाँ रह गए महाराज? आइए आइए, अभी तो चला था। अभी जो मजा 2 मिनट का स्टॉप था, ट्रेन 2 मिनट ही रुकी। पटरियों में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए ये ट्रेन डिले चल रही है, बाकी कुछ दिनों में इंटरलॉकिंग का भी काम शुरू होने वाला है इसलिए कुछ ट्रेनें डाइवर्ट भी रहेगी। अगर आप भी कुछ दिनों के अंदर ट्रैवलिंग करने वाले हैं ट्रेन से तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका भी ट्रेन डाइवर्ट हो। बाकी फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं, ट्रेन हमारी अभी तक DDU नहीं पहुँची है।
हम चलें भैया सोने के लिए, मिलते हैं आपसे कल सुबह में, देखिए कहाँ मुलाकात होती है। क्या करने चाह रही है? नहीं दिमाग में तुम्हारा खराब है क्या? बच्चा आजकल के खराब होइ छे, अच्छा बात कहबो ना। गेले बेगूसराय में बता स्कूल परीक्षा दे गेले ने तू आधा गोर होइ गे। कर चल दो अपन कर मिस कर ले ना। आय ना ये कर ये ना ये बेटा ये हो गए गिर गए दोनों आजकल बच्चा कहिए करा एगो बलिया। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ट्रेन जर्नी के दौरान हम ज़्यादातर यंग लड़कियों को देखे हैं, वो किसी दूसरे पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ समान महिलाओं का भी, और हमेशा अपने आप को मॉडर्न साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा है चाची केवल उन पापा की पड़ियों को इतना बोली कि चलती हुई ट्रेन से मत उतरो गिर जाओगी, इसी बात का पता नहीं उनको क्या खराब लग गया। तो भैया एक घंटा 15 मिनट यानी सवा घंटे की देरी से हमारी सीमांचल एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कटिहार जंक्शन। इसका यहां आने का टाइम था 5:15, आई है 6:30। बाकी ट्रेन तो जाएगी जोगबनी तक, लेकिन हम इस ट्रेन जर्नी को करते हैं कटिहार में ही समाप्त। सफ़र कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए कटिहार जंक्शन से दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद। कटिहार जंक्शन से हमारी सीमांचल एक्सप्रेस निकल चुकी है जोगबनी के लिए।